लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर काम वर्चुअल तरीके से होने लग गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुनिया भर में तमाम तरह की मीटिंग, ऑफिशियल कार्य व अन्य तरह के काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। यहां तक कि कई देशों में संसद की कार्यवाही भी ऑनलाइन हो रही है। इसी बीच कैमरे में कुछ ऐसी घटनाएं भी कैद हुई जो कि आपत्तिजनक थी, और ऐसा ही एक मामला सामने आया अर्जेंटीना से। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यह संसदीय डिबेट के दौरान की शर्मनाक घटना है। दरअसल अर्जेंटीना के एक सांसद जुआन एमिलियो को ऑनलाइन संसदीय डिबेट के दौरान अपनी प्रेमिका का प्राइवेट पार्ट चूमते हुए देखा गया। इस घटना को लोगों ने सरकार के यूट्यूब चैनल पर लाइव टेलीकास्ट तो देखा ही, साथ ही वर्चुअल डिबेट के दौरान संसद की स्क्रीन पर भी लाइव टेलीकास्ट किया गया था। कोरोना महामारी के कारण अभी हाल ही में अर्जेंटीना में ऑनलाइन संसदीय डिबेट की जा रही थी। इसी दौरान एक सांसद अपनी प्रेमिका का प्राइवेट पार्ट चूमते हुए कैमरे में कैद हो गए। इस संसदीय डिबेट को सरकार के यूट्यूब चैनल के साथ संसद के विशाल स्क्रीन पर भी लाइव टेलीकास्ट किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना के इस सांसद का नाम जुआन एमिलियो अमेरी है। अमेरी अर्जेंटीना के साल्टा के उत्तरी प्रांत के एक प्रतिनिधि है। वह राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस की पेरोनिस्ट पार्टी के नेता है, इसलिए देखते ही देखते उनका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गया। इसके बाद सरकार ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए सांसद जुआन एमिलिया अमेरी का इस्तीफा ले लिया। अर्जेंटीना कांग्रेस के निचले सदन ने एक बयान जारी कर बताया कि इस घटना के लिए संबंधित सांसद का इस्तीफा ले लिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि हम ऐसे गैर जिम्मेदाराना हरकत को मंजूरी नहीं दे सकते हैं। जब मामला सामने आया तो सांसद अमेरी ने सफाई देते हुए इंटरनेट को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि जब ये सब कुछ हुआ उस दौरान वे ऑफलाइन थे, खराब इंटरनेट कनेक्शन के कारण ये सब हुआ है। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि उनकी प्रेमिका की हाल में ब्रेस्ट सर्जरी हुई थी। जब वो कमरे में आई तो लगा कि मीटिंग खत्म हो गई है और कैमरा बंद है। इसके बाद मैंने उनके सर्जरी वाली जगह को देखा और सर्जरी वाली जगह को चूमा था। दीपक कुमार, पंजाब केसरी, स्टूडियो दिल्ली। यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।